ये सब क्या पैसा है आपका जानने के लिए बहुत ही अच्छा तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इसके बीच में ही पैसा कमा के तो मीडिया जो है बहुत अच्छा तरीके से भाई बना है। तो इन्फॉर्मेशन खगेंद्र ब्लॉग के थ्रू आप देख रहे हैं दोस्त, यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लास्ट में बेल आइकन को जरूर दबा। हाय गाइस, तो आज मैं दिखाने के लिए जा रहा हूँ, अभी देख लीजिए क्या होने वाला आगे का वीडियो में। तो आगे के वीडियो में होगा, आप लोगों को दिखाएंगे अभी खाजा कैसे मेकिंग बनाए जाते हैं और किस तरीका से, और उसका रेट क्या है, क्या प्राइस है, सारे डिस्क्रिप्शंस में लिख कर दे दिए जाएंगे और कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, उससे आप ऑर्डर कर सकते हैं। फिर इनका कटाई होगा, बहुत अच्छा तरीका से देख रहे हैं भाई आप कर रहे हैं, खाने में तो बहुत स्वाद ही लगता है वहाँ भाई, खा कर भी मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है गाइज, तो आप बने रहिए मेरे चैनल पर खगेंद्र ब्लॉग पर, देख सकते हैं ये हो गया पीस कैसा, फिर इसका डिजाइन अलग टाइप से निकाला जाएगा। तो गाइस देखिएगा मिस्त्री कैसा किस तरीका से बना रहे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से बना रहे हैं, माखन लगा रहा है इस पर बहुत ही अच्छा तरीका से। क्या हाल है भाई, कैसे कर रहे हैं, इनको बताइए अपने बारे में। भाई बिहारी पहचान में किया जाए तो खाजा बहुत ही फेस्टिवल्स में जितिया पर्व होता है, जिसमें कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्व है और ये 10-20 दिन पहले से ही खाजा का तैयारी होता है। बिहार में खाजा को तो देखा जाए तो आमतौर पर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है पर्व त्यौहार में, तो सबसे इम्पोर्टेंट बिहार में यदि माना जाए खाजा तो उत्तरी बिहार में तो है इधर क्या कहते हैं पिपरा खाजा, तो आज पिपरा खाजा से भी टॉप है यहाँ का खाजा जो फॉरबिसगंज का ही एक शहर में है। तो आपको हम डिस्क्रिप्शन में नंबर देंगे, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस मिस्त्री भाई से, आप खाजा भी ले सकते हैं दुकानदार से। फिर इनका कटाई होगा, देसी घी निकल जाए, देसी घी में भी निकलता है ना।